गुड मॉर्निंग ब्रो, सब ठीक है ना? हैप्पी दिवाली। ए, सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा। आज रात को ना मैं कार्ड पार्टी रख रहा हूँ, तो तुझे आना होगा। देखना, हर साल की तरह इस बार भी तू ही जीत कर जाएगा, इसलिए अपने साथ बहुत सारे पैसे लाना, बिकॉज वी आर प्लेइंग हाई स्टेक्स। हाँ, और हे रॉकी को भी साथ ले आना। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने I'm joking. Obviously not. Your family function in Cabaret. I'll call you back, yeah? तुम मुझे अंडा खिला रही हो? कुछ और खाना था आपको? नहीं नहीं, खाना तो मुझे अंडा ही था, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं खाना था। ये हक मैंने सिर्फ तन्नू को दिया है। तुम useless हो। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया, किसे पूछ कर तू मुझे अंडा खिला रही थी? हेलो हेलो, किसे पूछने की जरूरत है? क्या माइंड ब्लोइंग बॉयल अंडा बनाती है ये? कूल। अरे ताई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बताओ आपको दिवाली में क्या चाहिए? मेरी चोट, तू ये बता प्रज्ञा को क्या लेके दे रहा था? इसे? बहू की इस घर में पहली दिवाली है, होना तो ये चाहिए कि धनतेरस के दिन इसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के देता। पर मुझे पता है ना, तुझे गोल्ड बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा बाजार में बहुत सी चीजें मिलती हैं, कुछ भी ला के दे देता। हम दादी, धनतेरस हो या धन मेरस हो, क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे याद था कि मुझे इसके कुछ खरीद के देना है, लेकिन क्या है ना, जैसे ही मैं घर से बाहर गया मैं भूल गया। भूल गया। पर मुझे याद है, ये देख, मैंने तेरी तरफ से बहू के लिए ये हार खरीदा है। अब तू कोई तोहफा तो लाया नहीं, तो फिर यही हार तू अपने हाथों से इसे पहना दे। अरे दादी, आप लेकर आइए, आप ही पहना दीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, अच्छा तो इसे तेरे हाथों से पहन के ही लगेगा। चल बातें ना बना, पहना दे। बहुत भारी है, झेल नहीं पाएगी। पाएगी बेटा, तू पहना तो सही। हैप्पी दिवाली। कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रम्भा, मनोनुकूलः, क्षमा दरित्री, दादी ना होती ना तो इसी नेकलेस को फांसी का फंदा बना के इसी के गले में कस देता, लेकिन लेकिन नहीं, क्योंकि ये नेकलेस सिर्फ तन्नु डिजर्व करती है। भले ही इन्होंने मुझे कोई हक ना दिया, पर मैंने इन्हें सारे हक दे दिए। इन्होंने मेरे हाथ से खाना नहीं खाया, पर अपने हाथों से मुझे ये हार पहना रहे। इससे अच्छा दिवाली गिफ्ट मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता था। अरे अरे ऑटो वाले, रुको, ऑटो ऑटो, ओ हो सत्यानाश, बेड़ा गरक, अंधा गई का ऐसे चला रहा है स्कूटर जैसे कि हवाई जहाज हो। सत्यानाश हो जाए तेरा, कख ना बचे। अरे अरे, क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। दादी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे दे दो। यहाँ क्या कर रहे हो? आपका घर तो उस तरफ है। ये दिवाली के तोहफे लेकर प्रज्ञा के घर देने जा रही थी।
अच्छा, लेकिन ये ऑटो वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सरकार ने इन लोगों की मांगे क्या मान ली? ये तो मन चाहे दाम मांगेंगे और जाएंगे भी उस जगह जहाँ इनको जाना। अरे दादी आप चिंता मत करो, इन्हें तो मैं देख लूंगा। सिर्फ एक कंप्लेंट करने की देर है और पूरी की पूरी यूनियन खड़ी हो जाएगी, देख लेना आप। यूनियन खड़ी हो जाएगी, तब तक क्या मैं यहीं खड़ी रहूंगी बेटा? नहीं नहीं दादी, आपको प्रज्ञा के घर जाना है ना? हाँ। तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तू क्यों खामखा परेशान हो रहा है? अरे दादी परेशान तो मैं तब होऊंगा जब आप ऐसे यहाँ पर खड़े रहोगे। वैसे भी दादी दिवाली की वजह से भीड़ बहुत है और ट्रैफिक में फंस जाओगे। मुझे एक शॉर्टकट पता है, 10 मिनट में मैं आपको स्कूटर पे छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा। आप बैग पकड़िए, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। वाओ क्या डेकोरेशन है। अरे दासी आपने करवाया? झूठ बोल रही है, ये सब दादी का टेस्ट है, मुझे पता है। अरे आकाश मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तूने सबको इनवाइट तो कर लिया ना? डोंट वरी भाई, सबको पर्सनली इन्फॉर्म किया। कुछ लोग आउट ऑफ टाउन है बट हु ऑल आर अवेलेबल जरूर आएंगे। इट्स ग्रेट, आपकी पार्टी हो, लोग ना है भाई। दादी का? अरे दादी भी ना। नहीं अभी वहां मत जा, वो चश्मिश भी वहीं पर है। अभी गया ना तो हम दोनों को देखते ही दादी को कोई ना कोई रिचुअल याद आ जाएगा जिसे करना मुझे ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर यू अवॉइड देम। अच्छा सुन बेटा, पंडित जी ने कहा है कि आज पूजा का मुहूर्त 8 बजे से लेके 10 बजे तक का होगा। तू तैयार रहना, जैसे ही अभी की कार्ड पार्टी खत्म होगी ना तो हम पूजा शुरू कर देंगे। जी दादी। बेटा आज दिवाली का दिन है और मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी अब तू ही संभाल। लेकिन दादी ये जिम्मेदारी क्यों? ये जिम्मेदारी संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ, अब ये जिम्मेदारी तू संभालेगी। ये तो मैंने तेरी शादी के दिन ही सोच लिया था, सिर्फ सही दिन का इंतजार कर रही थी। और दिवाली से अच्छा दिन और क्या हो सकता है? मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, घर की लक्ष्मी है तू, तो फिर तुमसे ज्यादा ये जिम्मेदारी कोई और निभा भी नहीं सकता बेटा। दादी मैं, मुझसे नहीं होगा दादी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देख, प्यार से कह रही हूँ, उसके बाद हक से कहूंगी, फिर भी नहीं मानेगी तो ऑर्डर दूंगी। पहले इस बुढ़िया के हाथ से ही पैसे निकालने मुश्किल थे और अब ये प्रज्ञा, ये तो और भी होशियार है। मुझे आकाश के साथ ही मिलकर थोड़ी और होशियारी से इस प्रज्ञा के हाथ से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। दीदी दीदी मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली, चल के आप देख लीजिए। चलो चलते हैं, तू तैयार हो जा बेटा। तो मेरे सामने क्या कर रही हो? मैं भी ये पूछ सकती हूँ? नो 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 नो, तुम नहीं पूछ सकती हो क्योंकि तुम हमेशा मेरा रास्ता काटती हो और तुमसे अच्छी तो बिल्लियाँ हैं जो रास्ता काटने के बाद सामने से हट तो जाती है लेकिन तुम रास्ता काटने के बाद सामने खड़ी हो जाती हो। जब सामने खड़ी हो तो ये बात सुनकर जाना, आज हम सब पत्ते खेलेंगे ना। तुम पत्ते खेलती हो? नहीं ना, तो एक काम करना कि मेरे टेबल के आसपास भी मत आना, और आसपास तो क्या, अगर दूर से दिख भी जाओ ना तो हाय मत कहना। मुझे तुम्हारी मनु शक्ल देखकर ना अपना लक खराब नहीं करना, यू गेट इट? इस बात को तोते की तरह याद रखना, समझी? किसकी तरह? तोते की तरह। डोंट फॉरगेट। आज दादी ने लक्ष्मी पूजा रखी है तो 1 घंटे तक इस टेबल से कोई नहीं उठेगा। ऑब्वियसली अगर जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे तो जिसकी मर्जी वो उठ जाए, लेकिन तब तक के लिए नो वन विथ दिस। भाई वैसे भी हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, कोई जाने थोड़ी आए हैं। अरे पर लक्ष्मी पूजा भी तो जरूरी है। लगता है आज अभी गेम अच्छा खेलेगा, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई एम रियली कॉन्फिडेंट, और देखना आज सारी बाजी मैं ही मारूंगा। वेयर इज माय गुड लक चार्म? आ गया भाई, आ गया। हेलो गाइस। हाय। हाय। हेलो। आप लोग खेलो भाई, मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके आती। तुम नहीं खेलो? नो भाई, आई एम डन फॉर द डे। ऑल द बेस्ट। ओके।
क्या बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? वहाँ जाके बैठ, अभी के बाजू में जहाँ तनु खड़ी है। दीदी अगर अभी यहाँ होती ना तो तुझे उसी जगह बिठाती जहाँ तनु खड़ी है। दादी ऐसा हो नहीं सकता है, तनु को वहाँ से नहीं हटा सकते हैं। क्यों? एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। अभी ना पहले जब भी दीपावली पर कार्ड्स का गेम खेलता था ना तो वो हार जाया करता था, लेकिन एक बार ना तनु ने उसके कार्ड्स को टच कर दिया और वो जीत गया। तो बस अभी ने तब से तनु को अपना लकी चार्म मान लिया और जब भी वो कार्ड्स का गेम खेलता है ना हमेशा तनु को अपने पास बिठाता है और हमेशा दीपावली पर वो जीतता है। I told you my lucky charm. ये बात हमारी दादी भी जानती है इसीलिए वो कुछ कहती नहीं है अभी की खुशी की वजह से। बेटा अभी ने अभी तक तुम्हारा लक तो देखा ही नहीं है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ना बेटा। हा? हाँ प्रज्ञा, अभी के लिए तुमसे ज्यादा लकी कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन दादी मुझे नहीं लगता मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। मेरा मतलब है अगर मेरे वहाँ जाने से या उनके कार्ड्स को हाथ लगाने से वो हार गए तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर, और अगर तनु के उनके साथ रहने से वो जीतते हैं तो अच्छा ही है ना। यस, ये बाजी मेरी। अभी हर बार तेरी किस्मत साथ नहीं देगी भाई। दादी वो मैं कह रहा था कि आप ना गिफ्ट देकर आओ, मैं आपका यहीं पर वेट करता हूँ। तू कमाल करता है सुरेश, मैं कोई डाकिया लगी हूँ कि गिफ्ट दूँ और चलती बनू? त्योहार का मौका है, प्रज्ञा से मिलूंगी, उसकी दादी को मिलूंगी, बाकी लोगों को मिलूंगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा ना, तू तब तक यहीं खड़ा रहेगा? दादी वो अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता, तू कोई अनजान आदमी है क्या? अरे तुझे सब पहचानते, तू चल तो, ओ चल तो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक जी तुहानू भी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सरला जी कैसी है? सरला बिल्कुल ठीक है। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सुरेश जी, कैसी है बेटा? जी बिल्कुल ठीक। सरला जी क्यों नहीं आई? वो आना तो बहुत चाहती थी, पर आप जानते हो ना त्योहार का मौका है, घर में इतने काम है, और फिर पड़ोस वाले आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहा है, इसलिए मैं ही आ गई। दिवाली के शगुन, इसकी क्या जरूरत थी? कोई नहीं, ये तो शगुन की बात है। मैं अभी से मिल गया। हाँ हाँ बेटा मिल गया। यस, ये गेम तू हार गया। क्या बोल रहा था, हम सबकी जेबें खाली करेगा? लगता है आज तेरी जेब खाली होने वाली है, और वो भी पूजा शुरू होने से पहले। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो बैठो, जॉइन अस, साथ में पत्ते खेलते। नहीं मैं काज नहीं खेलता। पत्ते तो हम भी नहीं खेलते, वो साल में एक बार शगुन के लिए दिवाली के वक्त तो बनता है। नहीं नहीं आप काज खेलिए, वैसे भी मुझे काज खेलना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ आपको थैंक यू कहने आया था। किस लिए? मैरिज हॉल के लिए। अगर मैं होता तो शायद बात को उतना आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि मैं उस कॉर्पोरेटर की नीयत से वाकिफ हूँ। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने हॉल को बचाया वो काबिले तारीफ है। ए, तुम्हारी नजर उस हॉल पर थी ना? सॉरी मैं समझा नहीं, सॉरी। मेरी बातों को सीरियसली लिया करो, लेकिन मेरे जोक्स को नहीं भाई, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे लिसन, मुझे अभी अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हार गया ना तो मेरे सारे दोस्त मुझे अनलकी कहेंगे, एंड आई एम नॉट अनलकी, आई गॉट लक बाय माय साइड। आप अनलकी कैसे हो सकते, क्योंकि जो आपके पास है उसकी वजह से आप पूरी दुनिया में सबसे लकी आदमी। क्या है मेरे पास? प्रज्ञा। I think he's right. I think you should play. आप लोग खेलिए, sorry to disturb and happy Diwali again. पता नहीं क्या पढ़ा था ये कॉलेज में, अरे इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी अक्कल नहीं आई। मेरी लाइफ की सबसे अनलकीएस्ट पार्ट को मेरे लिए लकी बता रहा है। ये ले अभी, इस बार तू हार गया। ये यार अभी तुझे ये कार्ड ना लक्ष्मी पूजा के बाद खेलने चाहिए थे। शायद उनके आशीर्वाद से तू एक आध गेम जीत जाता। तुम कर क्या रही? क्या कर रही? एग्जैक्टली तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? अभी तो मैंने पोजीशन चेंज की,
कोई और पोजीशन ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, लेकिन तब तक तुम कार्ड को टच मत करो। तो क्या मुंह से खेलूं? हाँ। यार इस राउंड में तो बहुत मजा है यार। कौन जीतेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन अभी ने जो रूल बनाया है ना, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। शो शो करने के लिए कार्ड को टच करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन ये तनु कहाँ रह गई? अभी सोच क्या रहा है? शो कर। क्या करूँ? शो करो कि वेट करो, ये तनु कहाँ रह गई? वेट कर बेटा, अभी 7 लाख के ऊपर की बात है। थैंक गॉड तुम आ गई। शो क्या बोला था मैंने? हाँ, she is my lucky charm, baby come to papa. हाँ, you two boys, three girls, I'm going back to my lucky charm. I knew it. ये मेरे कार्ड छुएंगे ना तो मैं जीत जाऊंगा। क्या बोला था मैं? Good luck charm, she is my good. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे टेबल के आसपास मत आना, तुम मेरे गोद में आके बैठ गई, क्यों? मैंने देखा कि आप हार रहे थे बार बार, इसलिए मैं तो यही देखने आई थी ना कि मैं पूरी तरह से कब हार जाऊंगा। Come on अभी, don't be so rude to her. जो पैसे तुम हार गए थे इसकी वजह से डबल हो गए, उसे डांट क्यों रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारा लकी चार्म तनु नहीं, तुम्हारी वाइफ प्रज्ञा है। हेलो मिस, ये मेरा लकी चार्म हो ही नहीं सकती, ऑलराइट? अगर तुम्हें डाउट है तो फिर से खेल लो, पर इसके हाथ से टच करा लेना। मैं पत्ते इसी से टच करूंगा, पर अभी देख लेते कि ये मेरा लकी चार्म है कि नहीं। आई विल प्रूव इट, कम ऑन। टच मैडम। शो सॉरी गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे पता था तुम्हारी लकी चार्म तुम्हारी वाइफ ही है, देखा ना? एक और गेम खेलेंगे। इस बार अभी तुम ही टच करो। अब मेरे यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं, आपको जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो आंख बंद करके मुझे याद कर लीजिएगा, अब फिर जीत जाएंगे। It is not possible. ये क्या हो रहा है? ये चश्मिश मेरा लकी चार्म नहीं हो सकती। No. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी ऐसे कार्ड्स मिले ही नहीं, और आज उस चश्मिश के बारे में सोचते ही चार इक्के, 1 2 3 एंड एक ऑफ फूल फूल व्हाटएवर।
I'm sorry guys, but the game.